नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। आइए उत्तराखंड की तमाम खबरों की शुरुआत करते हैं। निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है, सल्ट विधानसभा को लेकर ये गाइडलाइन जारी की है। ओपनिंग पोल और एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। दरअसल सल्ट विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर अब गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है, अब किसी भी तरीके का एग्जिट पोल नहीं होगा और यहां पर अब सारी गाइडलाइन जारी कर दी गई। ओपनिंग पोल और एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सल्ट विधानसभा उपचुनाव होना है और ऐसे में वहां पर सियासत बहुत ज्यादा गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच का मुकाबला है, ये एक तरह से 2022 का सेमीफाइनल हम मान सकते हैं। तो बड़ी खबर, निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है, इसके मद्देनजर अब गाइडलाइन का पालन करना होगा। कोई भी एग्जिट पोल हो, ओपनिंग पोल हो, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है, जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सल्ट विधानसभा उपचुनाव है उत्तराखंड में और ऐसे में उपचुनाव को लेकर बड़ी गहमागहमी देखी जा रही थी प्रत्याशियों को भी लेकर। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी प्रत्याशी और कांग्रेस की तरफ से भी अब देखना यह है कि सल्ट विधानसभा उपचुनाव में किसकी जीत होती है। हालांकि यहां पर एक गाइडलाइन जरूर मिल गई है और ऐसे में ओपनिंग पोल और एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है, गाइडलाइन के तहत अब सारी चीजों का पालन करना होगा जो भी निर्वाचन आयोग की तरफ से दिया गया है। ये ताजा जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है सल्ट विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी। हालांकि सल्ट विधानसभा उपचुनाव एक तरीके का सेमीफाइनल मानेंगे और ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। फहीम जी जो कि रेजिडेंट एडिटर है हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। फहीम तन्हा जी, अब तो गाइडलाइन जारी कर दी गई है, अब इसके तहत तमाम गाइडलाइन का पालन करना होगा। बिल्कुल, देखिए सल्ट चुनाव उपचुनाव होना है विधानसभा का और ये 17 अप्रैल को इसमें वोटिंग होगा और इसके 30 अप्रैल को रिजल्ट आनी है क्योंकि और अन्य राज्यों में भी कुछ उपचुनाव होने हैं, उनके साथ में इसके रिजल्ट आना है। बहरहाल इसको लेकर के अब चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी की है और जारी जो की गई है, इसमें महत्वपूर्ण बात ये होगी क्योंकि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को इसमें पूरी तरीके से मना किया गया है और दूसरा ये कि 48 घंटे पहले प्रचार बंद होता है, उसके बाद भी किसी तरीके का प्रचार सामग्री किसी मीडिया में नहीं प्रकाशित या प्रसारित की जाएगी, इसका पालन सख्ती के साथ करना होगा। और इसमें जो एग्जिट पोल पर आमतौर पर चर्चाएं और डिस्कशन और डिबेट्स और तमाम खबरें रहती थी, इसको मना किया है साफ तौर पर निर्वाचन आयोग ने और जो पालन करना होगा इस पूरी गाइडलाइंस का। लेकिन अगर सरजमी की बात करें तो किस तरीके की आप सियासत अब देख पा रहे हैं सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड में? देखिए सल्ट सीट को लेकर के सियासत उस तरह से तो नहीं कह सकते कि राज्य भर में गर्माहट के हिसाब से, लेकिन जो कि 2022 के चुनाव का ये वर्ष है और ऐसे में बीजेपी के ऊपर जो एक लिटमस टेस्ट की स्थिति है वो इसको माना जा रहा है। कांग्रेस ने और बीजेपी दोनों ने अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। 30 मार्च को अंतिम तिथि है नामांकन की, तो अभी कांग्रेस ने इस बात को कहा है कि प्रत्याशी पर मंथन हो रहा है, घोषित किया जाएगा। एक तरीके की कांग्रेस और बीजेपी के सामने चुनौती है कि कौन सा प्रत्याशी खड़ा करे जिससे रिजल्ट अच्छा हो, क्योंकि एक तरीके से हम 2022 का सेमीफाइनल मान सकते हैं इसको। देखिए निश्चित तौर पर ये सेमीफाइनल के तौर पर इसको देखा जा सकता है और इसको लिटमस टेस्ट ये रहेगा बीजेपी के लिए, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में नेतृत्व तो परिवर्तन हुआ, सरकार में बदलाव हुआ, उसका क्या रिफ्लेक्शन जाएगा जनता में, क्योंकि माना जा रहा था कि जनता में नाराजगी है, तो ये रिफ्लेक्शन देखा जाएगा इस सीट से। और जाहिर सी बात है कि चुनौती है प्रत्याशी को लेकर के भी बीजेपी का, बहुत हद तक माना जा रहा है कि जो पूर्व विधायक है जो दिवंगत हुए तो सुरेंद्र जी ना, उनके बड़े भाई महेश जी ना को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के सामने अभी है क्योंकि वहां दावेदार कई हैं
जिनको टिकट दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस खबर पर, इस खबर महत्वपूर्ण खबर है उत्तराखंड की, और अभी फिलहाल नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो ओपनिंग पोल और एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया, हालांकि प्रत्याशियों को लेकर अभी भी कोई भी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन सभी पार्टी के लिए ये एक तरह से बड़ी चुनौती है इस सल्ट विधानसभा उपचुनाव को जीतना, और यही वजह है कि अभी प्रत्याशियों को लेकर काफी यहां पर सोच विचार किया जा रहा है। देहरादून की एक खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम तीरथ ने विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृतियों को मंजूरी दी है। कर विभाग के लिए 1,80,00,000 रुपए की स्वीकृति, पेयजल साथ ही साथ स्वच्छता के लिए 10,72,00,000 की धनराशि स्वीकृत। सिंचाई विभाग में तमाम ऐसी स्वीकृति दी है, साथ ही साथ लोक निर्माण विभाग में 37,85,000 धनराशि, समाज कल्याण विभाग के लिए 1,66,00,000 की धनराशि स्वीकृत की है, शहरी विकास विभाग के लिए 97,70,000 की धनराशि स्वीकृत की है। देखिए विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप देखिए तीरथ सिंह रावत लगातार योजनाओं में गति डाल रहे हैं, और देखिए धनराशि की स्वीकृति, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है, जो आप तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरीके से उत्तराखंड की सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि उत्तराखंड वासियों को कैसे खुश किया जाए, किस तरीके से अपने विकास कार्यों को दिखाया जाए, योजना के तहत तमाम उन सभी लोगों को लाभ पहुंचाया जाए जो इससे ताल्लुक रखते हैं। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है, शहरी विकास विभाग के लिए 97,70,000 की राशि सीएम तीरथ सिंह रावत ने विकास कार्यों के लिए तमाम स्वीकृति दी है, पेयजल एवं स्वच्छता के लिए 10,72,00,000 की धनराशि स्वीकृत की गई है, सिंचाई विभाग के लिए भी 5,00,00,000 से भी ज्यादा की धनराशि स्वीकृत की गई, लोक निर्माण विभाग के लिए 37,85,000 की धनराशि स्वीकृत की गई है, समाज कल्याण विभाग के लिए 1,66,00,000 की धनराशि स्वीकृत की गई है। अहम जानकारी आप तक न्यूज वन इंडिया पहुंचा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे मसूरी दौरे पर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, दरअसल यहां पर बड़ी जानकारी मिली है, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार, दरअसल दुष्यंत कुमार मसूरी मंडल की कार्यकारिणी के साथ बैठक करेंगे, पिक्चर पैलेस सभागार में बैठक का आयोजन किया जाएगा, आगामी चुनाव की तैयारी की समीक्षा की जाएगी, बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है, मसूरी दौरे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार मसूरी मंडल की कार्यकारिणी के साथ बैठक करेंगे, मसूरी मंडल की कार्यकारिणी के साथ बैठक करेंगे। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है, दरअसल एक तरफ विकास कार्य को देखना और दूसरी तरफ चुनाव की भी तैयारी करना। देखिए हालांकि विपक्ष में जो कांग्रेस बैठा है वो लगातार निशाना साध रहा है कि आप विकास कार्य को देखेंगे कि जनता तक विकास को गिनाएंगे कि आप चुनाव की तैयारियां करेंगे, लेकिन दोनों तरीके से बीजेपी की तैयारियां दिख रही है। आप देखिए आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षा की जाएगी। सुनील सोनकर संवाददाता इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील सोनकर, एक तरफ विकास कार्य की समीक्षा और उसमें गति देना, दूसरी तरफ आगामी चुनाव के लिए तैयारी बीजेपी की। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर प्रदेश प्रभारी गौतम यहाँ पहुंचे हैं और उनके द्वारा यहाँ पर कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया, उससे साफ है कि प्रदेश चुनावी मोड पे आ चुके हैं और बूथ स्तर को मजबूत करने की बात यहाँ पर की जा रही है, और इसी को लेकर यहाँ पर प्रदेश प्रभारी ने भी कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि वो बूथ स्तर पर काम करें और आगामी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार रहे। जी और बिल्कुल, देखिए तमाम ऐसी बैठकें की है जिसमें अब ये रणनीति बनाई जाएगी, ये समीक्षा की जाएगी कि कितने चुनाव की तैयारियां होना, कैसे और किस तरीके से करना, ये अहम जिम्मेदारी है प्रदेश प्रभारी के ऊपर। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अगर प्रदेश प्रभारी खुद विधानसभाओं में जाकर खुद
मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उसमें तो साफ है कि यहाँ पर प्रदेश प्रभारी भी ये चीज जानते हैं कि आगामी की जो चुनौती है वो इतनी आसान नहीं है, और ऐसे में वो खुद कार्यकर्ताओं को विधानसभा स्तर जा जाकर बूस्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश और ये बताने की कर रहे हैं कि जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है वो जन जन तक पहुंचाएं। बिल्कुल, देखिए बीजेपी को भी पता है कम समय है और ऐसे में काफी काम करना है, और यही वजह है कि लगातार बीजेपी के हर अधिकारी या मंत्री हो या फिर प्रभारी हो सबका काम देखा जा रहा है। शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार दौरे पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश सचिव ने हर की पैड़ी का निरीक्षण किया, महाकुंभ को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और ऐसे में महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया है। ये अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। सचिव ने हर की पैड़ी का निरीक्षण किया। देखिए अभी फिलहाल देखिए त्रिस्तरीय तैयारियां हम कह सकते हैं बीजेपी के एक तरफ, आप देखिए ये तीसरी जानकारी जो आप तक पहुंचाई जा रही है महाकुंभ को लेकर। मुख्य सचिव ने बीड़ा उठा रखा है क्योंकि एक बार जहां कोर्ट में याचिका डाली गई थी और उसमें खामियां पाई गई थी, उस खामियों के तहत अब मुख्य सचिव ने इसका बेड़ा उठा रखा है और ऐसे में तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए वे खुद अधिकारियों के साथ पहुंचेंगे, और ऐसे में पहुंचे सचिव महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया है उन्होंने। गढ़वाल मंडल आयुक्त समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सुमित सैनी संवाददाता इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ फुल लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित सैनी, मुख्य सचिव ने देखिए खुद बीड़ा उठा रखा है महाकुंभ की तैयारियों को लेकर। बिल्कुल फातिमा, हरिद्वार में जो महाकुंभ होना है उसको लेकर बहुत तैयारियां लंबे समय से चल रही थी, लेकिन उसके चलते एक हाईकोर्ट में जो याचिका लगी थी, याचिका के बाद से ही सरकार के द्वारा जो गढ़वाल आयुक्त थे उनको हरिद्वार में कुंभ जब तक कुंभ संपन्न नहीं होता तब तक उनको हरिद्वार में ही कैंप करने की बात कही, उनके आदेश दिए थे और वो यहीं पर मौजूद है। लेकिन आज उसी क्रम में यहाँ पर मुख्य सचिव उत्तराखंड ओम प्रकाश वो भी यहाँ पर हरिद्वार में है। उन्होंने हरिद्वार में अधिकारियों के साथ बैठक की और जो तमाम जो कुंभ के कार्य हो रहे हैं उन कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने हर की पौड़ी पर निरीक्षण किया गया, हर की पौड़ी पर जो महिला घाट बने हुए हैं तो महिला घाट में भी उनको बढ़ाने की बात कही, और जो 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 हर की पौड़ी क्षेत्र के ऊपर महिला घाट बने हुए उनके ऊपर जो पुलिस जो महिला पुलिस वहां पर तैनात की जा रही है पुल पर उसके भी आदेश दिए। कहीं ना कहीं जो कुंभ का जो महाकुंभ होना है उसके लिए पूरी व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पर आज मुख्य सचिव यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने उसके बाद वहाँ पर जो 150 बेड का कोविड जो 150 बेड का जो मेला का हॉस्पिटल बनाए उसका भी निरीक्षण किया, और जो तमाम जो पुल हैं जो गतिविधियां हैं जो कुंभ से रिलेटेड उनको लगातार निरीक्षण कर रहे हैं बारीकियों से किसी तरह की कोई खामियां ना रह जाए, उसी को लिए जो अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं क्योंकि 1 अप्रैल से विधिवत तरीके से कुंभ का शुभारंभ हो जाएगा और इसमें देश विदेश तमाम जगह से लागू यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, तो क्योंकि कोविड के साए में ये एक महाकुंभ होना है तो उसका भी जो कोविड की जो गाइडलाइन है उनके तहत भी कुंभ को संपन्न कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है प्रदेश सरकार के लिए और तमाम प्रशासनिक अमले के लिए कि कैसे किस तरीके से इसको संपन्न कराया जाए। जो कुंभ को लेकर काफी सुर्खियां भी बनी हुई थी और सियासत भी तमाम देखी जा रही थी, अब देखना यह कि तैयारियां किस तरीके से मुकम्मल होती है कम समय में। और एक और खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल ये खबर देहरादून से है। होली को लेकर प्रशासन ने OSOP जारी किया है। होली कार्यक्रम के दौरान तमाम तरह की गाइडलाइन को भी यहाँ पर जारी किया। लाउडस्पीकर पर बैन रहेगा, ये बड़ी जानकारी। तो साथ ही साथ 100 से अधिक लोग के जमा होने पर पाबंदी होगी। देखिए अहम जानकारी क्योंकि कोरोना अब बढ़ रहा है और यही वजह है कोरोना के मद्देनजर ये गाइडलाइन जारी की गई है। सख्ती से गाइडलाइन का पालन करना होगा और साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन के लोग घर में ही होली खेलेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। दरअसल होली के मद्देनजर अब ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है कोरोना की।
चलिए बढ़ेंगे आगे, पौड़ी की का रुख कर लेते हैं। दरअसल डीएम विजय कुमार जोगदंड ने निरीक्षण किया है, तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। जिला पंचायत विभाग पूर्ति विभाग का औचक निरीक्षण किया है, तो ऐसे में इस दौरान जिला पंचायत के कई कर्मचारी अनुपस्थित रहे। डीएम को निरीक्षण के दौरान विभागों में कई खामियां दिखी, ऐसे में डीएम ने विभागीय अधिकारियों को 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन में जवाब ना मिलने पर अधिकारियों का यहां पर वेतन रोका जाएगा, ये हम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। दरअसल निरीक्षण किया है, शनिवार के दिवस पर मेरा ये देखने का प्रयोजन था कि आज कितने लोग अपने कार्य पर मौजूद हैं। एएमए और बाकी कुछ अधिकारीगण जो है, प्रशासनिक अधिकारी आज बिना सूचित किए हुए अपने कार्यालय से अनुपस्थित हैं। साथ में कुछ जेईज का भी मैंने कार्य का निरीक्षण किया, उन्होंने पिछले गत माह में जितना भी कार्य किया है उसमें किसी ने भी अपना अटेंडेंस पंजिका में साइन नहीं किया, हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं दिखाया गया। साथ में जो कनिष्ठ अभियंता है उन्होंने साइट का हवाला दिया कि वो महीना भर साइट में विजिट किया है, बट उन्होंने अपनी साइट डायरी भी मुझे नहीं दिखाई है, जिससे कि उनका कार्य का कुछ अनुश्रवण करना संभव नहीं है। मैं तत्काल से जो है सभी जेईज का स्पष्टीकरण कॉल कर रहा हूँ और उनको जो है 3 दिन का समय दे रहा हूँ कि अपने 3 दिवस के अंदर जितना भी उन्होंने कार्य किया है उसका साइट डायरी के सहित सभी अभिलेख प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा मैं उनका वेतन इस माह का। तो वन विभाग की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, कानूनी जानकारी समेत अन्य विषय पर चर्चा हुई है। ये ताजा खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। वन कानून एक्सपर्ट ने वन अधिनियम की जानकारी दी है, वन संरक्षण और वन्य जीव अधिनियम की भी जानकारी दी है। फायर सीजन के चलते यहाँ पर बढ़ती जा रही है सावधानियां, ऐसे में देहरादून के लच्छीवाला सहित अन्य वन कर्मियों को ये जानकारी दी गई है। वन विभाग की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, इस कार्यशाला के मद्देनजर अहम जानकारी दी गई है, कानूनी जानकारी समेत कैसे वन्य को सुरक्षित किया जाए उसकी भी जानकारी दी गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है, वन संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा के लिए जानकारी दी गई। मुख्यतः ये कार्यशाला है, एक दिवसीय कार्यशाला, इसमें फॉरेस्ट एक्ट के संबंध में जानकारी दी जा रही है हमारे कार्मिकों को। इसमें मुख्य रूप से वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और ट्री प्रोटेक्शन एक्ट के विभिन्न धाराओं का इनको ज्ञान दिया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में किसी तरह से भी अगर कोई कार्रवाई करनी हो तो यह सफलतापूर्वक इस कार्य को अंजाम दे सकें। फायर सीजन के लिए फायर के संबंध में इनको बताया गया है कि जो है सभी क्रू स्टेशन और बीट लेवल पे जितने भी कर्मचारी रखे जाएं और जितने भी हमारे फायर लाइन हैं वो हमेशा साफ रहें, ताकि फायर को हम तुरंत कंट्रोल कर सकें। मसूरी से भी एक ताज़ा खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल ये बड़ी खबर, कवियत्री महादेवी वर्मा की जयंती आज है। एमपी कॉलेज में गुरांश सभागार कवि गोष्ठी का आयोजन, साहित्य परिषद प्रभारी ने गोष्ठी का संचालन किया। कवियों ने होली के गीतों से मंत्र मुग्ध महादेव कल्याण और संविधान की, यहां पर कवयित्री थी डॉक्टर प्रमोद, और ऐसे में अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं उनका। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महादेवी वर्मा जी की आज जयंती है, इस अवसर पर हमने महाविद्यालय में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है, जिससे कि हम अपने छात्रों में और जो है एक सामाजिक चेतना जगाने का कार्य कर रहे हैं। उसमें हमारे छात्रों को भी अभी मौका मिलेगा, वो भी अपना काव्य पाठ करेंगे, जिससे कि उनके व्यक्तित्व में विकास हो सके। इस उद्देश्य से आज हमने काव्य गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में कोरोना गाइडलाइन का भी
पालन किया गया है और कवयित्री महादेवी वर्मा की जयंती आज मनाई गई। बढ़ेंगे आगे, डोईवाला में राजा जी टाइगर रिजर्व के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। वन्य जीवों के संरक्षण में अहम योगदान के लिए राजा जी टाइगर रिजर्व के रेंजर महेंद्र गिरी को IUCNWCPNA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार पाने वाले, दरअसल बता दें आपको, वन्य जीवों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया। सबसे पहले तो मैं श्री महेंद्र गिरी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, जो उन्होंने अपने प्रदेश के साथ साथ अपने देश का नाम रोशन किया और पूरे एशिया महाद्वीप में वन्य जंतु संरक्षण में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। और उन्होंने एक ये संदेश भी दिया कि किस प्रकार से एक रेंज ऑफिसर मेहनत करके अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करते हुए अपने प्रदेश और अपने देश का नाम रोशन कर सके। और वन विभाग के लिए तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने उच्चाधिकारियों का कि उन्होंने जो है मेरा नाम पुरस्कार चयन हेतु नॉमिनेट किया था। इसमें जो है, जो मेरी जानकारी में मुझे है कि 47 देशों में से 630 जो नॉमिनेशन हुए थे उसमें से एशिया में जो है एक स्थान मेरा भी आया उसमें, जो एशिया में 9 अन्य देशों से है जो मेरी जानकारी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।